अभिनव और विनीता कौन है? अभिनव मेरे दोस्त का नाम है, दैट इज बेसिकली वो टीएसपी में एक एक्टर है, अभिनव उनका नाम है, और विनीता मेरी सिस्टर का नाम है. सिंपल बोला तो है उसमें गाने में, उसमें अलग क्या है. मान ले तू हार गया. हाँ मैं हार गया. सर कैन यू एक्सप्लेन अबाउट रोहन कैरियप्पा रेफरेंस? यार दैट वॉज अ वेरी फ्री फ्लो शाउट आउट. और जब मैं लिखता हूँ ना बेसिकली, सो आई ट्राई टू राइट जो आसपास चीज़ें हों उससे रिलेटेड, राइट? तो मैं कुछ भी ना वैसा नहीं लिखता कि एक मिनट. हाँ सो रोहन कैरियप्पा वो सब जानते ही हो यार, है ना? और मैं रेफरेंस मार रहा था उसमें गो ग्रीन 3 stars ऑन द कैन, नॉट स्पॉन्सर्ड. और स्पॉन्सर्ड से रोहन सर राइम कर दिया, तुम उसको अप्रिशिएट करो ना, क्या दिक्कत है? तुम उस बंदे को बोल रहे हो कि डिस कर दिया, डिस कर दिया. मतलब मैं किसी का नाम लूंगा तो डिस कर दिया, ये कौन सी बात हुई यार? तो ऐसे मत करो भाई. तुम तो बनते बनते लोगों के जिनके साथ अच्छी टर्म्स है, जो सही लोग हैं, उन लोगों के साथ भी बिगड़वा दोगे किसी की भी. भैया आप जीत गए. अरे भाई हम बचपन से जीते हैं, हार जीत के लिए खेलते ही नहीं हम, सीधी बात. माँ कसम आएगा क्या? हाँ ब्रो ऑब्वियसली आएगा, बट मैं ये नहीं बता सकता कि कब आएगा कब नहीं आएगा. आएगा बट अभी मेरा फोकस ये है कि और सबसे मेन चीज़ कि माँ कसम तो चलो डालेंगे, ईपी भी आनी है, है ना? आप सभी लोगों को बहुत सारे दिमाग में सवाल होंगे कि ईपी क्यों नहीं आ रही, ठीक है, ये क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है. भाई मेरी ज़िंदगी है बहुत फैली हुई, उसको मैं समेट के जैसे तैसे करके अपना काम करता हूँ. और बहुत सारी चीज़ें होती हैं आसपास करने के लिए म्यूज़िक में ही, है ना? तो अभी जैसे ये वाला ये बीफ मोड ऑन था, ये सारी चीज़ें चल रही थी, गाने आ रहे हैं इधर से उधर, ये सारी चीज़ें चल रही हैं. तो इस चक्कर में ईपी भी डिले हो गई, जिसके लिए आई ऑलरेडी एम वेरी सॉरी टू माई पीपल, है ना? क्योंकि जवाबदेही तो मेरी है, जैसे भी लेट होगा जो भी है, बट गाना आएगा अच्छा, ईपी आएगी. और ईपी से पहले आई एम थिंकिंग के कुछ एक ऐसा तरीके का गाना, एक ऐसा जोन आप लोगों को अपना जो मैं बनाता हूँ, जो मैंने निकाला नहीं कभी. क्योंकि उसका भी रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को ना, हम आर्टिस्ट की ये भूख होती है कि हम कोई भी चीज़ बनाएं तो चाहे सुनने वाले ना 10 हो, उसमें से 9 अप्रिशिएट कर जाएं, जो भी है. तो हम कोशिश करते हैं कि जो लोगों को पसंद है हम वही चीज़ दें. तो अब मुझे पता है मेरे रैप को कह लो या फिर जो मेरे चैनल पर जिस तरीके का कंटेंट है ना, जिसमें मैं ये सब बातें कर रहा हूँ, अब वो मेरी ज़िंदगी की बातें हैं. वो बातें नहीं हैं जो हर बंदा जी रहा है, जिनको बोलते हैं इमोशंस, फीलिंग्स, लव, ये सारी चीज़ें. सो मेरे अंदर तो सारे इमोशंस हैं, मैं वो इमोशंस भी बाहर निकालना चाहता हूँ. अब इन चीज़ों से बाहर निकलते हैं हम सभी लोग और कोशिश करते हैं कि उन जोन्स को टच करें, उन जोन्स को सुने जो अभी रह गए हैं अनसुने, है ना? तो बस कुछ डिफरेंट सी चीज़ मैंने मतलब पहले से बनाई हुई है काफ़ी चीज़ें, बट अब मैं सोच रहा हूँ कि निकालने की, कि ठीक है थोड़ा सा कानों को आराम देते हैं, भैड़ बोड़ बहुत हो गया, है ना? हाँ सो ऐलान बिल्कुल आएगी ब्रो. ईपी मैंने अनाउंस किया, ऐसे तो किया नहीं ना, और मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ कि अनाउंस करने के बाद डालू ही ना. टाइम लग रहा है नो, बट आएगा, सब कुछ आएगा. अभी मेरी वो वाली स्टेज नहीं है कि मेरी एल्बम्स के लिए इतना वेट करना पड़े, बट कुछ चीजें चल रही हैं. एमीवे से बात होती है क्या भाई आपकी? प्लीज आंसर. नहीं यार ब्रो, इन चूतियाबंतियों के चक्कर में ना काफी सारी चीजें हैं लाइफ में जो फैल गई हैं. सो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को एमीवे से कोई दिक्कत है, उसको शायद मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत होगी पर्सनल लेवल पे, ना मुझे कृष्णा से दिक्कत, ठीक है? तो लाइफ में ये सारी चीज़ें चल रही है ना आसपास, इनकी वजह से एक जोन ऐसा क्रिएट हो जाता है जहाँ पे आपको ना, आपको हर चीज़ के लिए जज किया जाता है कि वो इसने ऐसा कर दिया तो ऐसा हो गया. अब जो भी है, जो भी रीजंस है कि क्यों होता है ऐसा, कि सबकी नज़रें हैं तो सब बातें बनाएंगे, जो भी सारी चीज़ें हैं, बट उस रीज़न में नहीं घुसना चाहूँगा मैं, बट है तो है. तो इस चक्कर में बहुत सारी चीज़ें फैल जाती हैं. एमीवे के केस में भी मैं यही बोलूँगा, मैं तो गाने में बोल चुका हूँ यार, इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता कि क्या मैं मैसेज करूँ उसको, वो मेरे को मैसेज करे, इन चूतिया बनतियों में घुसेंगे, कौन पहले मैसेज करेगा, ये सारी चीज़ें. तो इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है. मुझे ऐसा लगता है जब सही टाइम होता है तो हर चीज़ हो जाती है. भाई एमीवे वंट आई लव्स यू, आई लव एमीवे टू, ऐसा कोई सीन नहीं है ब्रो. मुझे तो बोलते हुए भी ये चीज़ है कि क्यों ही इन बातों का जिक्र किया जाए बार बार, के जो पहले हुई हैं.
अगर हम अच्छे के लिए सोचे ना तो लाइक इफ वी थिंक फॉर द गुड, गलती सब करते हैं, अब उसका रीजन चाहे कुछ भी हो, ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ जब जो गलत है उसको तब गलत बोला जाए, उसको बोलते हैं आवाज उठाना। ये सोच के तो कोई आवाज ही ना उठाए कि यार कल को कोई और गलत निकल जाए तो किसी का साथ मत दो, ये थोड़ी होता है। मैं सीधा बोलता हूँ, व्हाट अबाउट एमसी स्टैन ब्रो? एमसी स्टैन यार, उसका यार मेरे को ये समझ नहीं है, उसका इंस्टाग्राम वापस आ गया क्या? मेरे को अभी तक कुछ नॉलेज नहीं है, मैं कॉन्टेक्ट में भी नहीं उसमें। मेरे को मेरी लास्ट बात हुई थी उससे शायद आई गेस एक महीना पहले मेरी बात हुई थी उससे कॉल पे ही। मैंने पूछा था, मैंने कहा बट पता नहीं क्या सीन है अभी, आप लोगों को पता है तो बताओ कमेंट में। छोड़ो, कृष्णा लिखता तो अच्छा है ये मन, हाँ ब्रो क्यों नहीं लिखता यार, अच्छा लिखता है ब्रो, बट उसको बोलना नहीं चाहिए, लिखना चाहिए, लाइक माई पर्सनल सजेशन, क्योंकि सच नहीं लिखता शायद वो, अंदर दिल से नहीं निकलती उसकी आवाज़, वो सिर्फ रैप करने के लिए रैप कर रहा है। मैं जीता हूँ उन चीज़ों को जो बोलता हूँ ब्रो, इसीलिए मैं नहीं बोलता कि मुझे लड़ना है किसी से, मैं वही नहीं लड़ने वाला ब्रो, मेरा काम है गाना बनाने का, आ जाओ गाना बनाओ। डोंट यू लाइक रोहन कैरियप्पा? कर्तव्य विल आंसर, हाँ हाँ बहुत सही ब्रो, वो ब्रेकडाउन कर रहा है और मेरे हिसाब से पहले कोई कर नहीं रहा था इस तरीके की चीजें, तो रैपर्स के काफी The bars, first guy you all appreciated. हाँ, काफी बार लोगों के रैपर्स के लोगों के आगे से चले जाते थे जो समझ में नहीं आते थे, और वो बता रहा है उन चीजों को तो बहुत बड़ी बात है। हमारे लिरिक्स में एक आत्मा और एक जान डाल। क्या है ब्रो? बढ़िया भाई, कैसे हो आप लोग? रात को चश्मा लगा रहे हैं आपकी वजह से। बहुत बढ़िया, अच्छा सही है ब्रो। यार हमारे बांटते चलो सब में अपने भाइयों में प्यार। अरे थैंक यू भाई, कल आपने नाम लिया मैं तो मतलब चौंक गया, ये क्या हुआ? यू एंड रोहन बोथ यू गाइज आर ऑसम, तुम लोग हमारे दिन के जितने मिनट की तुम वीडियो बनाते हो ना उतने मिनट की खुशी में दे जाते हो, समझ रहे हो? अरे थैंक यू भाई, थैंक यू। मैं तो सही में मेरे फिर वीडियो ही रिकॉर्डिंग ही खराब हो गई, मतलब मेरा दिमागी काम करना बंद कर दिया, मैंने कहा ये क्या हुआ यार। सारी बात छोड़ो, भाइयों वाली बात करेंगे। हाँ मेरे को ये जानना है भाई, वो जब आपसे मिलूंगा तब आपको ही बताऊंगा, बाकी को नहीं बताऊंगा। वो सिर्फ आपको पता लगेगी। भाई एक चीज बोलनी है मेरे को भाई, कर्तव्य भाई का तो मतलब मैं बहुत बड़ा फैन हो गया यार, मतलब कुछ टू मच हो गया भाई, थैंक यू सो मच, टू मच भाई, मतलब सीरियसली ट्रैक पे सैंपल काटा और भाई सैंपल तो काटा हुआ, टू मच। अरे यार ये टू मच मेरी आवाज थी क्या? लड़के भेज रहे मेरे को, ये इन्होंने दिया था उसमें ना, एक्चुअली जब आप टू मच बोलते हो तो पीछे बीट चल रही होती है, तो मैं उसको कट नहीं कर पा रहा था, उसमें से बीट हटा पा रहा था। इतना आइडिया मतलब कितना डिटेल सोचते हो भाई, जब आपने मेरा नाम लिया तब आप उंगली भी यूं करके दिखा रहे थे, यू रिमेम्बर द वीडियो? अच्छा ये सोचा नहीं था क्या? हर लड़का मेरे को कमेंट, मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया, सवाल दोबारा पूछो। हाँ तो हर लड़का मेरे को कमेंट कर रहा है कि भाई जब उन्होंने आपका नाम लिया तब वीडियो में उन्होंने उंगली यू करके दिखाई, क्योंकि उनको पता है कि आप वीडियो बनाते टाइम इस तरह बोलते हो, तो ये प्री प्लान था, ये गलती से हो गया? ये नहीं, ये कुछ प्लान नहीं था ब्रो यार। हमने जिस दिन हमने वीडियो शूट करी, मतलब परसों शूट करी है, उसके बाद में बैठ गया एडिट करने के लिए, और शाम को हमने वीडियो खत्म करके रिलीज 6 बजे। अच्छा इतनी फटाफट? हाँ ब्रो बहुत जल्दी जल्दी, नाम रफ्तार नहीं है बस। लेकिन भाई सॉन्ग बहुत ही कमाल था, और सारे के सारे मतलब इस डिस्क के टाइम में तो जितने आए वो तो हद मतलब आग, बहुत ही ज्यादा आग, कोई कंपैरिजन की जरूरत नहीं है किसी को किसी से, लेकिन भाई आपकी आर्ट अलग बोल रही है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा आपका काम। और भाई और ऐसे ही गाने निकालो प्लीज, डिस ना निकालो,
लेकिन हार्ड अपना जो है ना थोड़ा, अब तो नहीं आता ब्रो, अब कुछ नहीं आता ब्रो, अब कोई डिस नहीं आएगा, थोड़े अलग जोन के गाने करेंगे जिसमें सब लोग उसके साथ, और वो किसी एक पर्टिकुलर बंदे के लिए नहीं है गाना, तब अकेले बनाना है, राइट राइट, क्योंकि हमें आता है बनाना कमर्शियल, और बहुत गाने ऑब्वियसली भाई पड़े हैं कि अगर मतलब निकालने बैठे ना तो शायद साल कम पड़ जाएगा। अरे भाई हम तो वेट करते हैं गानों का, कब आएंगे के साथ ही देखा मैंने वीडियो सुबह सुबह, अरे भाई अभी भी नहीं कहता ब्रो। अरे थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। और देखो भाई, देखिए लेकिन भाई आपको एक चीज बोलूंगा, एज अ फैन बोलूंगा कि भाई देखो कुछ ऐसे कमर्शियल आप जरूर बनाना, लेकिन थोड़े ऐसे भी गाने जरूर बनाना जिसमें आपकी आर्ट निखर के आए, ठीक है, मतलब कि जैसे आप जब डिस ट्रैक निकालते हो ना तो आपकी आर्ट बहुत अलग आती है, तो थोड़ा ऐसे भी निकालना कि भाई दिखे कि नहीं भाई देखो मुफार ने जो ये चीज शुरू करी थी, अगर डिस से हटा भी दो तो उनकी ये चीज आती रहेगी। यार मैं ना, मेरे साथ चीज है ब्रो, आई डोंट नो आप इसको कैसे लोगे या मेरे लिसनर्स कैसे लेंगे, मैं ना प्रूव करने के लिए नहीं आया ब्रो कुछ भी, मेरा जब जो मन करता है ना वैसा करता हूँ, मेरे को प्रूव करना हर बार के मैं बहुत अच्छा रैपर हूँ, तो इसलिए मैं घुसता नहीं कि स्किल्स 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 फील होनी चाहिए, जब भी रैप बोलनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि बोलना है या मेलोडी नहीं है तो उसमें सोल नहीं चाहिए, रैप के लिए बहुत सोल चाहिए बात को बोलने के लिए। लेकिन भाई एज अ लिसनर बहुत मजा आता है भाई, अब ये वाला अपना साइड दिखाते हो ना आप तुम्हारा भाई, हम तो दिल मतलब बनाने में एज अ प्रोड्यूसर बहुत मजा आता है, ये तो हमारी ट्रिप बहुत सही करती है, बहुत सही ट्रिप करती है, इतना ज्यादा मजा आता है ना, मतलब लोगों को बहुत सारे ट्रैक्स इसमें जो ऐलान था, दशहरा था, बहुत बहुत अच्छे लगे, मेरा फेवरेट मोक्ष था। अच्छा, हाँ मेरा फेवरेट मोक्ष था फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब उसमें वो लाइनें घूम घूम के पड़ती हैं। अच्छा और भाई मेरा मोक्ष की इनके पीछे से लंडा को भागता हुआ आता है। भाई लेकिन मेरे को ऐलान की बीट कमाल, ऐलान की बीट कमाल भाई, ऐलान वाज फुल जोन, क्योंकि बहुत लोगों ने ये बोल दी थी कि फैक्ट्स नहीं आ रहे, फैक्ट्स नहीं आ रही ना, फैक्ट्स को इंटेंसिटी चाहिए वैसी वाली चीजों को बोलने के लिए, उस इंटेंस साउंड्स भी चाहिए ताकि उनका वजन बढ़ सके। इतनी ज्यादा डार्क ट्रिप है भाई उस गाने की, सीरियसली भाई, मतलब जो आपने पीछे जो आवाजें यूज करी है, सैंपल यूज करे, मजा आ जाता है भाई, वो गाना तो अलग है, अलग है। तो आप लोगों को सबको अच्छे लगते रहे गाने, बस यही चाहते कुछ सैंपल तो इनफैक्ट हमें खुद ही बोल दिए, मतलब खुद मुंह से दिए, जैसे ये वाला ट्रैक आया था अभी जो आया है भूत बनेगा, उसमें उसमें एक सैंपल है पार्ट के बाद आता है। अच्छा अब भाई मैं समझ सकता हूँ, सैंपल चाहिए मिल नहीं रहा, क्या कीजिए, चलो ऐसे बनाओ खत्म करो, कितनी देर ढूंढेंगे। बहुत खुशी हो रही है आपसे, आपसे आपको सामने बात कर रहा हूँ मैं। अरे भाई बहुत अच्छा भाई, क्या बात कर रहे हैं यार। हाँ भाई 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 ओहो भाई, ये तो बातें आप मेरे तो फोन में पूछना था, लाइव में क्यों पूछ रहे हो, अभी तो मैंने सब छुपा के रखा है। कागज नहीं पूछ रहे भाई, कागज नहीं मांग रहे आपसे, आप बताओ। चलो भाई ठीक है, देखिए मेरा रियल नाम है प्रिंस, मेरा रियल नाम है प्रिंस सिंह, ये है मेरा पूरा नाम। और भाई अफेक का भी फुल फॉर्म है, वो तो जहां तक है सबको पता ही, अफेक का भी फुल फॉर्म है, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है एक चीज का, बस एब्रीविएशन है बेसिकली ये अफेक। मैं आपके कंटेंट को बहुत अच्छे से देखता हूँ सारी चीजें, बट मैं इतना अंदर नहीं घुसा, मेरे को नहीं पता, मेरे को बताओ प्लीज ये क्या है इसका मतलब। भाई देखिए मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया ये बात, लेकिन अब आप बोल रहे हो तो भाई मेरे को बोलना ही पड़ेगा। अफेक का फुल फॉर्म है, देखिए अफेक का फुल फॉर्म है एज फार एज आई नो, ये अफेक का फुल फॉर्म। मजे चल रहे भाई, अपना लौंडो वाली प्रिय ब्रो। अरे भाई इधर भी
तो भाई ये बताइए, फिर लॉकडाउन के बाद दिल्ली आना है ना फिर मेरे को यार? फुल पावर आना है। आओ आओ, ठीक है, चलिए। जब लॉक आप कहाँ पे रहते, कहाँ पे हो? बैंगलोर? भाई मैं बैंगलोर में हूँ, बैंगलोर में हूँ। बैंगलोर में बहुत बढ़िया जगह है ब्रो, मैं थोड़े दिन। हाँ बैंगलोर है तो मजेदार। सुधर क्या था बैंगलोर के पास? चलिए सही है भाई, आप कंटिन्यू करो, आपकी जनता आपकी और बातें सुनना चाहती होगी। थैंक यू, लव यू, बहुत खुशी हुई। और भाई अगले गाने का वेट। अरे थैंक यू भाई, थैंक यू, बाय, गुड नाइट। एंड कीपिंग ऑल द नेगेटिव थिंग्स असाइड, जस्ट कीप ऑन डूइंग योर वर्क ब्रो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है? सुपर, लाइक मैं आपकी फील्ड नहीं, मैं कंटेंट नहीं बनाता, बट आई लव योर वर्क मैन। थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत बड़ी बात है, थैंक यू, थैंक यू भाई। चलिए बाय, गुड नाइट। चलिए भाई, ओके, सेम हियर भाई, सेम हियर, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। लोगों को फनी इंसिडेंट बताता हूँ। मैं यहाँ पे दिल्ली, मैं जब पहले मुंबई शिफ्ट हुआ था ना 3 महीने के लिए, तो एमसी स्टैंड मिला है मेरे को वहाँ पे, साथ में मेरे अपार्टमेंट में आया था, तो उसका फोन आता है मेरे पास, जब मैं बताया ना कि 1 महीना पहले बात हुई है, तो मेरे को फोन करके कहता है, कहता ब्रो घर के नीचे खड़ा हूँ, किधर? मैंने कहा घर के नीचे खड़ा है, मैंने दिल्ली आया हुआ क्या? कह रहा नहीं ब्रो, वही वर्षों हुआ। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मैं तो भाई दिल्ली में हूँ। कह रहा यार, कह रहा मुझे लगा तू यहाँ पे है। अरे यार गालियां इतनी बढ़िया चीज होती है, मजाक नहीं कर रहा, अगर मीन करके ना दी जाए तो। हाँ स्ट्रेस बस्टर।